ये लकड़ियाँ इकट्ठा करना भी कितना बोरिंग काम है माइनक्राफ्ट में। एक सेकंड ये आवाज कैसी आई, शायद से वहाँ विलेज ना, विलेज से कुछ ना कुछ तो आवाज आ रही है। चलो चल के देखते हैं आखिर का ये मामला क्या है भाई। काफी क्रीपी सी आवाज है, इतनी अजीब सी आवाज यहाँ पर आ कैसे रही है। शायद से यहाँ पर एक कुआ है, कहीं कुएं से तो आवाज नहीं आ रही है ना। अरे हाँ यार गाइस, चल ये कुएं से ही आवाज आ रही है। मुझे तो कुएं में कूदने का मन कर रहा है, क्या पता इस कुएं में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से कुएं के अंदर। और ये क्या गाइस यार, यहाँ तो बस चारों तरफ अंधेरा है, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाइस यार ये कुएं से ऊपर आती ना, मुझे यहाँ पर एक चेस दिखा, और इस चेस के अंदर ये देखो गाइस यार कितने सारे एग्स रखे हुए हैं। पहला वाला एग है बेबी क्रीपर। एक सेकंड, ये बेबी क्रीपर क्या है? यहाँ पर तो बेबी स्पाइडर है, बेबी एंडरमैन है, बेबी स्क्विड, बेबी स्केलेटन, बेबी विच है, बेबी गार्डियन है, और बेबी विट स्केलेटन है, बेबी ब्लेज भी है। चलो गाइस यार जल्दी से ना हम लोग इन सारे एग्स को ना कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि गाइस यार काफी मजा आएगा। इन सारे एग्स को ना हम लोग स्पॉन करके देखेंगे, देखेंगे कि भाई इसमें से क्या निकलता है, क्या इसमें से सच में से बेबी क्रीपर निकलेगा, बेबी एंडरमैन निकलेगा, बेबी स्पाइडर मैन निकलेगा, एंड और भी काफी मॉब्स निकलेंगे बेबी वर्जन में। काफी मजा आएगा गाइस यार, मैंने तो कभी नहीं देखा है बेबी वर्जन मॉब्स का, लेकिन गाइस यार आज हम लोग देखने वाले हैं साथ में बेबी वर्जन मॉब्स का। तो चलो गाइस यार देखते हैं जल्दी से। उससे पहले ना हम लोग एक मस्त वाली जगह खोज लेते हैं जहाँ पर हम लोग इस बेबी क्रीपर को स्पॉन करेंगे। लगता है कि मुझे यहाँ पर स्पॉन करना चाहिए, विलेजर ने भी कभी नहीं देखा होगा ना बेबी क्रीपर। चलो हम लोग मिलके साथ में देखते हैं भाई, काफी मजा आएगा देखने में। अरे गाइस यार ये देखो भाई, विलेजर तो गया, लेकिन गाइस यार ये देखो मेरे पास क्या आ चुका है। मेरे पास ना गाइस यार ब्लास्टर राइफल आ चुका है, वो भी यार बेबी क्रीपर के मरने से। और गाइस यार उसका बलिदान हम लोग ऐसे नहीं जाने देने वाले हैं, हम लोग ना इस ब्लास्टर राइफल का इस्तेमाल करेंगे अपने दूसरे विलेजर को मारने में। गाइस यार अपने बिल्कुल सामने रहा ये टारगेट, चलो इसी को मारते हैं। अरे अंकल आप भी गए मेरे हाथों से, मतलब कि मेरे इस वाले गन से, और आपका बलिदान भी मैं जान नहीं दूंगा। मतलब कि मैं आपको मारूंगा ना तो मुझे एक गन मिलेगी। एक सेकेंड, विलेजर को मारने से तो गन नहीं मिल रही है ना, मुझे तो उन बेबी मॉब्स को मारना पड़ेगा ना। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसी टेस्ट करने के लिए मार लेता हूँ इन विलेजर्स को। देखो गाइस यार दो शॉट में वो विलेजर गया गाइस यार इस ब्लास्टर वाले गन से। चलो इस गन को थोड़ा और लोगों पे ट्राई करते हैं। गाइस यार ये देखो कितना मजा आ रहा है इन विलेजर्स को मारने में इस ब्लास्टर वाले राइफल गन से ना, भाई क्या ही बताऊं मैं गाइस आप लोगों को। चलो गाइस अब हम लोग ना बेबी स्पाइडर को स्पॉन करके देखते हैं आखिरकार ये कितना क्यूट दिखता है। गाइस यार ये तो कितना छोटा सा और क्यूट सा दिख रहा है गाइस यार, लेकिन ये कितना खतरनाक है ना। ये देखो भाई कैसे पीछे पड़ गया मेरे। अरे गाइस यार भागो, जल्दी भागो। एक सेकंड में इससे पीछे क्यों भाग रहा, मुझे तो इससे वार्न करना चाहिए अपने इस ब्लास्टर वाले गन से। गाइस अभी बताता हूं इस स्पाइडर को। एंड गाइस यार ये देखो बेबी स्पाइडर को मारने से मुझे क्या मिला, मुझे ना चेनसॉ मिली है जिससे ना आसानी से लकड़ी काटी जा सकती है। ये तो मेरा फेवरेट वाला गन होने वाला है, क्योंकि हम लोग ना काफी आसानी से लकड़ी को काट सकते हैं इस चेनसॉ से। इसका मतलब कि भाई मुझे बोरिंग नहीं लगेगा लकड़ी काटने में। ये देखो गाइस यार कितनी आसानी से लकड़ी कट रही है, और भाई कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग है ये लकड़ी काटना, वो भी इस प्यारे से चेनसॉ वाले वेपन से। गाइस यार मजा आ गया। वैसे मैं जिस तरीके से इस वेपन की तारीफ कर रहा हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वेपन ना काफी खतरनाक भी हो सकता है अगर इसे इंसानों को काटा जाए तो। अभी मैं इसे दिखा, अरे बाप रे गाइस यार देखा आप लोगों ने विलेजर्स की क्या हालत हुई, इसके तो उजरे पुर से निकल गए। अभी ये दूसरा वाला कहाँ भाग के निकल गया, ये रहा अभी इसे बताता हूँ, मैं भी इसे बताता हूँ ये क्या हो रहा है, दिल क्यों निकल रहा है यहाँ से। अरे बाप रे गाइस यार ये देखो कैसे टुकड़े हो गए इसके भी। इसलिए गाइस यार इस गन का इस्तेमाल ना ही करे तो ही अच्छा रहेगा, मुझे तो काफी दया आ रही है विलेजर्स पे। चलो गाइस यार अब ना हम लोग बेबी एंडरमैन को स्पॉन करके देखते हैं भाई वो कैसा दिखता है आखिर में बेबी वर्जन में। चलो गाइस यार देखते हैं जल्दी से, यहाँ पर स्पॉन करते हैं। अरे अरे ये भी काफी क्यूट लग रहा है, ऑफकोर्स सारे बेबी वर्जन काफी क्यूट है लेकिन काफी खतरनाक भी है। ऑफकोर्स पता था कि ये भी मारेगा मुझे। ये देखो गाइस यार कैसे मारे जा रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही भाई, इतना छोटा है मेरे सामने, कितने गंदे तरीके से मुझे मार दिया। मैं तो इस बदमाश बेबी एंडरमैन को छोड़ने नहीं वाला, अभी इसे सबक सिखाता हूँ, जल्दी से स्पॉन करूंगा ना और ब्लास्टर राइफल से शूट करके ना दो ही बार में इसका खेल खत्म कर दूंगा। तो कैसे इसे मैंने स्पॉन किया और भाई खेल खत्म, देखा ना गाइस मैंने कितने आसानी से इसे मार दिया इस एंडरमैन को, इसने मुझे मारा था ना गंदे तरीके से। इस बेबी एंडरमैन को मारने के बाद हमें गन मिल चुकी है एकदम काफी तगड़ी वाली,
इस गन का नाम है ना TFG-10 के, पता नहीं कैसा नाम तो काफी अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये देखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो चलो कैसे देरी किस बात की, हम लोग जल्दी से इस गन का ना इस्तेमाल करते हैं किसी तगड़े चीज में। इस बार ना हम लोग विलेजर्स पे इस्तेमाल नहीं करने वाले, बहुत हो गया विलेजर्स पे अत्याचार, लेकिन इस बार ना हम लोग इन शिप्स को मारने वाले। तो कैसे ट्राई करते हैं जल्दी से शिप को मार के देखते हैं भाई क्या ही धमाका होता है। ओ कैसर ये देखो क्या ही न्यूक्लियर धमाका हुआ, ग्रीन रेडिएशन जैसा कुछ तो निकला। और कैसर यहाँ पर ना कुछ सेकंड के लिए यार शिप के ना पूरे छिद्रे उड़ गए थे, जैसे कि चेनसॉ से हुआ था ना उस विलेजर के साथ वैसे ही शिप के साथ हुआ। मतलब कैसर ये जो गन है ना कैसर सच में काफी पावरफुल है। ये देखो कैसर फिर आप लोगों ने देखा ना कैसर क्या ही छिद्रे उड़ गए इस वाले शिप के भी। चलो कैसर इस गन का नाम लोग इस चिकन के ऊपर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो कैसर सेल्फी देने के लिए इसने ना मेरी तरफ देखा भाई एम करते समय। चलो इसका भी वही हाल होगा, देखो कैसर ये तो यहीं पर देख रहा है। चलो इसको भी शूट करते हैं और भाई इसके भी चित्र उड़े। गाइस बात ऐसी है ना कि गेम में ना अपने को चित्र उड़ाने में काफी मजा आता है, तो गाइस मैं वही कर रहा था। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। गाइस मुझे तो काफी अच्छा लगा भाई, बेबी वर्जन के मॉब्स को देखने में काफी मजा आया मुझे। गाइस अगर आपको मजा आया तो आप लोग बोल सकते हो सेकंड पार्ट के लिए मैं सेकंड पार्ट ले आ सकता हूँ, जिनमें आप लोग को और भी सारे मॉब्स देखेंगे जो कि बेबी होने वाले हैं। तो गाइस कमेंट करके लिख देना आप लोगों को अगर चाहिए तो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।